सामने भले ही अफगानिस्तान की फौज और सरकार ने हथियार डाल दिए, लेकिन लोकतंत्र से छेड़छाड़ और देश के झंडे में बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध को दबाने के लिए तालिबान ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 घायल हो गए। ये सब तब शुरू हुआ जब तालिबान के विरोध में पंजशीर के शेर की आवाज गूंजी है। कौन है पंजशीर का शेर और किस तरह तालिबान के रुख पर बज उठा है विरोध का बिगुल, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तालिबान के बदलते चेहरे के दावों के बीच ये तस्वीर उसकी असलियत की झांकी है। गोलियों की आवाज उन्हें खामोश करने के लिए निकली है जो अपने देश के झंडे को लेकर सड़कों पर उतरे थे। सड़कों पर सैकड़ों लोगों की इस भीड़ को ध्यान से देखिए। इस भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में झंडे हैं, 3 रंग वाले झंडे, अफगानिस्तान के झंडे, काले, लाल और हरे रंगों से बने झंडे, जिसे कुछ लोगों ने अपने सिर माथे पर उठा रखा है। शोरगुल और नारेबाजी के बीच ये लोग हथियारबंद तालिबान से बेखौफ होकर आगे बढ़ते दिखते हैं। ये तस्वीर है अफगानिस्तान के जलालाबाद की, और विरोध पर उतारू इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनके देश की पहचान, अब तक जो झंडा रहा है उसे नहीं बदला जाए। देश के झंडे को लेकर प्यार की ऐसी तस्वीर एक जगह दिखी तो फिर नानगरहर में सुर्ख रोड पर भी ऐसे ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी टोलियों में सड़कों पर जमा हुए और देश की पहचान के साथ रैली निकल पड़ी। इन लोगों की एक ही चाह है, इन लोगों की एक ही मांग है, इन लोगों की एक ही दरख्वास्त है, वो ये कि तालिबान अपने देश के झंडे का सम्मान करे, तालिबान अपने देश के झंडे को न बदले। देश के झंडे को लेकर लोगों की इस दीवानगी को देखकर इनकी मोबाइल फोन से तस्वीरें बनाने वाले भी थम्स अप के इशारे से इनका हौसला बढ़ाते दिखे। बदलाव की ऐसी हवा चली तो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग गाड़ियों से पहुंचते नजर आए। फिर तो कुछ उत्साही प्रदर्शनकारियों ने शहर की सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर अपने मुल्क का झंडा फहरा दिया। इस दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर खड़े हो गए, लेकिन जो तालिबान काबुल से लेकर अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में काले मंसूबों के साथ सफेद रंग के झंडे को लहराने निकल पड़ा, उसे ये कैसे हजम होता। जगह जगह सड़कों पर खड़े होकर झंडे लहराने वाले ये प्रदर्शनकारी तालिबान की आंखों में खटकने लगे। बहुत देर तक ये सब देखने के बाद तालिबान के लड़ाकों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी बंदूकें निहत्थों की तरफ गरज पड़ी। अपने लोग, अपने मुल्क और इस मुल्क की पहचान रहे झंडे से बेपरवाह तालिबान के लड़ाकों की बंदूकें गर्जी तो हर तरफ भगदड़ मच गई। कुछ देर पहले जहां अफगानिस्तान के झंडे की शान के लिए शोर था, वहां उसकी जगह गोलियों की तड़तड़ाहट ने ले ली। लेकिन तालिबान की बंदूक एक तरफ और देश के झंडे के लिए उमड़ती भावनाएं दूसरी तरफ। तालिबान ने देश भर की सरकारी इमारतों से देश के झंडे को उतार कर अपना झंडा फहराना शुरू किया तो जान जोखिम में डालकर कई लोग होस्ट में भी विरोध करते नजर आए। देश के झंडे के अपमान के खिलाफ विरोध की इन तस्वीरों ने धीरे धीरे लहर का रूप लेना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के झंडे को लेकर शुरू हुआ विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के शहरों, गांवों और गलियों में अपने झंडे को बचाने के लिए लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। 4 दिनों की चुप्पी के बाद तालिबान के खिलाफ ये प्रदर्शन भले ही झंडे के बहाने शुरू हुआ हो, लेकिन कहा जा रहा है कि इन लोगों को ताकत इनके पक्ष में उठी एक आवाज से मिली है। ये आवाज है पंजशीर के शेर की, उस शख्स की जो अफगानिस्तान की गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे और तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बावजूद अपने राष्ट्रपति की तरह देश छोड़कर नहीं भागे। इस शख्स का नाम है अमरुल्लाह सालेह। तालिबान के कब्जे के बाद सालेह की पहली तस्वीर अफगानिस्तान के पंजशीर से आई। सालेह को अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और तालिबानी विरोधी कमांडरों के साथ बैठक करते हुए देखा गया। अमरुल्लाह सालेह जिस पंजशीर में डटे हैं उस इलाके पर अभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर वो इलाका है जहां पर तालिबान का कब्जा कभी नहीं हो पाया। अब सालेह पंजशीर से लगातार तालिबान को खुली चुनौती दे रहे हैं। सालेह ने ट्विटर के जरिए तालिबान को पहली चुनौती तब दी जब उन्होंने देश के राष्ट्रपति के भाग जाने के बाद खुद को कानूनन नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया।
अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी, पलायन, इस्तीफा या मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं इस वक्त अपने देश के अंदर हूं और कानूनन देखभाल करने वाला राष्ट्रपति हूं। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूं। सालेह की हुंकार को न तो अफगानिस्तान हल्के में ले सकता है, न तालिबान और न ही दुनिया। इससे पहले जब पाकिस्तान ने तालिबान के समर्थन में अफगानिस्तान पर तंज कसा था, तब सालेह ने इमरान खान को भी आईना दिखाया था। तब सालेह ने भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के घुटने टेकने की याद दिलाई थी और कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जो जंग में घुटने टेक दे। उन्होंने आतंकी तालिबान के खिलाफ जिंदा रहने तक बहादुरी से जंग लड़ने की बात कही थी। अब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान का साथ छोड़ दिया है और बात देश को बचाने की आ गई, तो फिर उन्होंने अपनी बात दोहराई। सालेह ने एक और ट्वीट में कहा, अब अफगानिस्तान पर जो बाइडेन से बहस करना बेकार है, उसे जाने दो। हम अफगानों को ये साबित करना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है और तालिबान भी दूर से वियतनामी कम्युनिस्ट की तरह नहीं है। यूएस नेटो के उलट हमने हौसला नहीं खोया है और हम आगे अपार संभावनाएं देख रहे हैं। चेतावनियां समाप्त हो गई हैं, प्रतिरोध में शामिल हो। इससे पहले रविवार को भी उन्होंने ट्वीट कर तालिबान के खिलाफ जारी जंग का ऐलान करने को कहा था। सालेह ने लिखा था, मैं कभी भी और किसी भी हालात में तालिबान के आतंकियों के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर, लीजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा, कभी नहीं। सालेह अफगानिस्तान के हीरो रहे अहमद शाह मसूद के शागिर्द हैं। 90 के दशक में अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ जंग लड़कर इज्जत कमाई। उस लड़ाई में सालेह भी अहमद शाह मसूद के सिपाही थे। जिस पंजशीर में अहमद शाह मसूद और अमरुल्ला सालेह के रहते तालिबान कभी पांव नहीं रख पाया, उसी जमीन से तालिबान को फिर चुनौती मिल रही है। सालेह की ललकार अब चिंगारी की तरह भड़की है जो कभी भी लपट बनकर तालिबान को राह कर सकती है। ताजिकिस्तान के अफगानिस्तान एम्बेसी में तो अब अशरफ गनी की जगह राष्ट्रपति के रूप में सालेह की तस्वीर लगा दी गई है। अमरुल्ला सालेह को अफगानिस्तान के भविष्य के नेता के रूप में देखा जाता है और सालेह ने अब्दुल रशीद दोस्तम के बाद फरवरी 2020 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। इससे पहले वो 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री और 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस बार तालिबान को चुनौती देने वाली उनकी इकलौती आवाज है और उन्हें इस अभियान में अहमद शाह मसूद के बेटे का भी साथ मिल रहा है। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन सौ बात की एक बात के शोर अजवाणी के साथ।